आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सबके चेहरे की खुशी देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं ये देख रहा था कि सबके चेहरे पे खूब प्रसन्नता है, सब लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने बहुत काम किए, बिजली सस्ती करी, बिजली 24 घंटे करी, घर घर पानी भिजवा रहे हैं, पानी मुफ्त करा, स्कूल शानदार कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पतालों में दवा दारू फ्री कर दी, अब CCTV कैमरे लग रहे हैं, मेट्रो फ्री होने वाली है, बस फ्री होने वाली है, पूरे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में सड़कें, नालियां, सीवर पानी का काम चल रहा है, खूब काम किए। लेकिन मेरे को लगता है कि एक ये काम जो है ये सबसे पुण्य का काम हमारी सरकार ने किया है। वैसे तो हर अच्छा काम करने में पुण्य होता है, लेकिन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम सबसे पुण्य का काम है। हमारे हम अपनी कितनी बार कहानी बचपन में सुना करते थे श्रवण कुमार की, कि कैसे वो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गया था। विपक्षी पार्टी वालों ने हमारा खूब मजाक उड़ाया, हमारा कहते हैं केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है। मैंने कहा मैं पैसे अपने बुजुर्गों पे लुटा रहा हूँ। और मैंने कहा जितना पुण्य इस पैसे का होएगा, जितना पुण्य सरकार को दिल्ली को इसका होएगा, उतना पुण्य और किसी काम को नहीं होएगा। तो मैंने विपक्षी वालों को बोला कि इस पे एतराज मत करो, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी दूसरे कामों पे राजनीति कर लेना, इस काम में सारे जने साथ दो, सबके लिए अच्छी बात है। और इसमें तो हमने कोई ऐसा नहीं कह रखा भाई इस पार्टी के बुजुर्ग जाएंगे उसके जाएंगे, कांग्रेस वाले बुजुर्ग भी जाएं, बीजेपी वाले बुजुर्ग भी जाएं, आम आदमी पार्टी वाले बुजुर्ग भी जाएं, और जो किसी पार्टी के नहीं है वो बुजुर्ग भी जाएं, सारे बुजुर्ग जाएं, हिंदू भी जाएं, मुसलमान भी जाएं, सिख भी जाएं, सबके लिए इंतजाम किया, सबके धर्म धार्मिक स्थानों को इसमें इंक्लूड किया। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि माँ बाप का ऋण, आप कुछ भी कर लो जिंदगी भर उसका ऋण चुका नहीं सकते आप, माँ बाप का जिन्होंने आपको जन्म दिया, उसी तरह से कोई भी समाज अपने बुजुर्गों का ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप अपने माँ बाप को या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दो तो उसमें से इतना सा ऋण तो कम हो जाता है, ऋण तो फिर भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन तीर्थ यात्रा कराने का सबसे ज्यादा पुण्य मान सबसे ज्यादा पुण्य माना जाता है। कि तो ये जो दिल्ली सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है, इसका सारा पुण्य दिल्ली के लोगों को लगेगा, क्योंकि आप दिल्ली के लोगों के पैसे से जा रहे हो, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है, तो दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से जा रहे हो, तो अपनी सारी दिल्ली के लोगों का को पुण्य लगेगा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का। उसमें थोड़ा सा पुण्य हमको भी लगेगा क्योंकि हम निमित्त बने हैं इसमें, हमारी सरकार को भी लगेगा क्योंकि हम निमित्त बने हैं इसमें, ये काम करने के लिए भगवान ने हमको चुना कि भाई इनके जरिए दिल्ली के बुजुर्गों को यात्रा करानी है। तो मैं दिल्ली के आज इस मंच से दिल्ली के सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि आपका ये बेटा कोशिश करेगा कि आपकी जिंदगी में कम से कम एक तीर्थ यात्रा तो जरूर करा दें। बारह तारीख को अमृतसर आनंदपुर साहब और वाघा बॉर्डर जा रही है ट्रेन, तो एक तरह से 12 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। 20 तारीख को वैष्णो देवी जा रही है, तो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आपके साथ मैं और मनीष सिसोदिया भी चलेंगे, ले चलोगे अपने साथ? अभी पहले वाली में थोड़ा सा दिल्ली में काम था,
उसके बाद जब जब हमें मौका मिलेगा, जिस जिस ट्रिप में हमें मौका मिलेगा, हम उसमें कुछ काम था इसी वजह से जा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली में कुछ काम था, तो हम लोग भी साथ चलेंगे आपके, हमारा परिवार भी आपके साथ चलेगा, माता के दर्शन करने जाएंगे और माता से आशीर्वाद लेंगे कि दिल्ली के लिए, देश के लिए, कि हमारे दिल्ली के लोगों को माता रानी सुखी रखे, सबके ऊपर आशीर्वाद हो, सभी परिवारों को सुखी रखे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तीर्थ यात्रा बहुत बहुत मंगलमय हो, आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हो और आप सब लोग अपने लिए तो कुछ मांगेंगे दिल्ली के लिए, देश के लिए, और थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमारे लिए भी मांग लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।